हेलो दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और हम आज जो आपका टॉपिक करते हैं शुरू, वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से एग्जाम में जो है अधिकतर क्वेश्चन इतिहास के जिस पार्ट से आते हैं, वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत की जाती है वो अंग्रेजों के आगमन से माना जाता है, या यूरोपियनों का भारत आगमन जो आपका टॉपिक है इससे माना जाता है। यूरोपियों का भारत आगमन में भारत की खोज का पता चलता है कि भारत जो है की खोज की गई 1498 ईस्वी में। 1498 में ये जो है वास्को डिगामा भारत आए थे, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जो है भारत आने वाले पहले यूरोपियन माने जाते हैं जिन्होंने भारत की खोज की। लेकिन भारत की खोज का मतलब ये नहीं है कि भारत पहले नहीं था। भारत की खोज से मतलब है भारत का समुद्री मार्ग खोजना, समुद्री मार्ग खोजना। ऐसा क्या हुआ कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी? माना जाता है कि 1453 ईस्वी में पुनर्जागरण काल आया कहाँ? यूरोप में। यूरोप में पुनर्जागरण काल से मतलब होता है कि एक दे कुस्तुंतुनिया आता है, कुस्तुंतुनिया का पतन। कुस्तुंतुनिया एक ऐसा क्षेत्र था जहां से यूरोपियन भूमध्य सागर के रास्ते सीधा, तुर्की के रास्ते सीधा भारत से व्यापार करते थे। लेकिन क्या हुआ, कुस्तुंतुनिया के पतन से के बाद तुर्कों का अधिकार हो गया, यानी तुर्की जो देश है उनका इस मार्ग पर अधिकार होने के कारण जो यूरोपियनों को नए नए मार्गों की खोज की आवश्यकता हुई। और इसी लिए जो काल कहा जाता है, इसीलिए इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में जो अनेक नाविक जैसे 1492 में निकले थे कोलंबस भारत की खोज के लिए कोलंबस निकले 1492 में। लेकिन क्या हुआ कि ये गलती से कहाँ पहुंच गए भाई साहब, इन्होंने खोज कर ली अमेरिका, अमेरिका की खोज की 1492 में। इसके बाद अलग अलग देशों से अलग अलग नाविक भारत आने लगे, लेकिन वे है गलती से पहुंचने लगे कहीं और, कोई रास्ते से भटकने के कारण, समुद्री मार्ग इतना बड़ा होने के कारण वे रास्ता भटक जाते थे और कहीं और स्थान पर चले जाते थे। इसी सीरीज में 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। वास्को डिगामा कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाल देश। यूरोपियन थे पहले यूरोपियन जिन्होंने भारत की खोज की। इसके बाद ये दोबारा आए 1502 ईस्वी में, फिर आए वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वे यहां से अनेक वस्तुएं यहां से लेकर गए और उस पर बहुत लाभ कमाया उन्होंने। कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा यहां से सामान लेके गया और उसने यूरोप में बेचा उस सामान को, तो
60% लाभ कमाया था उसने। जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो 60% कमाया था, अपना वस्तु का जो उसने खर्च निकाल कर और अपना किराया भाड़ा सब निकाल कर जो उसको लाभ प्राप्त हुआ वो था 60%। अब आप ये जानते देख ही रहे होंगे कि इतना परसेंट यानी प्रॉफिटर जो इतना लाभदायक लाभदायक जो व्यापार था इसको कौन छोड़ना चाह रहा था। तो इसी को देखते हुए अन्य यूरोपियन कंपनियां भी भारत आने का सोचने लगी और इसी में पुर्तगाली फिर आपके डच आए, डच के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस तरीके से फिर तो अंग्रेजों का जो है यूरोपियनों के अनेक कंपनियां भारत आने लगी। जो यूरोपियन कंपनियां भारत आई है उनका एक क्रम देखा जाता है, जाए तो यूरोपियन कंपनियों का यूरोपियन कंपनियों का भारत आने का क्रम, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाल से कौन आए 1498 में ईस्वी में, फिर आए डच 1602, फिर नंबर तीन है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज 1608 में। अंग्रेजों में सबसे पहले जो 1608 में आए थे वे थे कैप्टन हॉकिंस, भारत आने वाले पहले यात्री, फिर फ्रांसीसी। ये एक क्रम है, इनकी स्थापना का माना जाता है 1664 ईस्वी में सबसे बाद में फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी। यदि इनकी कंपनियों की स्थापना की बात की जाए कि कंपनी कब भारत हो कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, विभिन्न कंपनियों की स्थापना पुर्तगाली तो ये आपके पुर्तगाली तो यही है ही, 1498 में भारत भेजे थे इन्हें बना करके नाविक को 1498। डच 1602, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकी स्थापना हो गई थी दिसंबर 1600 ईस्वी में। नंबर चार फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसकी स्थापना 1664 में ही स्थापना की गई और उसके बाद जो है भारत आए। ये क्रम है, जो स्थापना का क्रम अलग है और इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग है। ये क्रम इनका भारत आने का है 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था, उसके बाद यूरोपियन कंपनियों का जो है लगातार कई कंपनियां भारत आई, जैसे डच 1602 में और अंग्रेज 1608 में भारत आए, फ्रांसीसी 1664 में, अंततः फ्रांसीसी कंपनी ही सबसे बाद में भारत आई थी। इसके अलावा जो इनके आने का समय स्थापना की गई थी पुर्तगाली 1498, डच 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 दिसंबर 1600 ईस्वी में ही की गई थी और फ्रांसीसी 1664 में स्थापना की गई। और ये वीडियो आज यहीं रोक देते हैं, उसके अलावा कल आपकी नए टॉपिक के साथ